जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्ग के मन्ना का भाग हमने लिया है रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 16वां वचन। वचन कहता है, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि ये प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने अपने सामर्थ्य से हमें मिलवाया, तूने बताया कि तेरा सामर्थ्य क्या है। दूसरा वचन क्या बताता है? वचन हमें बताता है कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की योजना। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का प्यार। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का त्याग। सुसमाचार क्या है? हमारा छुटकारा। सुसमाचार क्या है? हमारी मुक्ति। सुसमाचार क्या है? हमारी शक्ति। सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। इसीलिए बाइबल कहती है, इसीलिए वचन कहता है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जाओ पूरे जगत में सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि जो विश्वास करेगा वो आशीष पाएगा, जो विश्वास करेगा वो मुक्ति पाएगा, जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की संतान होगा, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ है। सुसमाचार, सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, इस सामर्थ में, इस वचन में, इस सुसमाचार में इतनी शक्ति है कि कोई अगर भाई, हम जिस बहन को सुसमाचार सुनाते हैं, अगर वो नरक के रास्ते में जा रहा है, लेकिन जब भी उसके कानों में वो सुसमाचार पड़ता है, जब भी विश्वास के साथ वो सुसमाचार को ग्रहण करता है, उसी पल वो स्वर्ग का उत्तराधिकारी बन जाता है। वो स्वर्ग का उत्तराधिकारी बन जाता है। अद्भुत है वो सामर्थ्य, अद्भुत है वो शक्ति, अद्भुत है परमेश्वर का प्यार, अद्भुत है परमेश्वर की कृपा, उसकी दया। दोस्तों इसलिए मरकुस 16:20 में जब चेलों को यीशु मसीह ने हिदायत दी थी, आज्ञा दी थी कि तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और 16:20 क्या कहता है, और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता रहा और वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे दृढ़ करता रहा। जब वो वचन सुना रहे थे, जब वो सुसमाचार सुना रहे थे, अपने आप चिन्हों चमत्कार हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उस वचन में, उस सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है। दोस्तों मुझे याद आता है कि एलिसा के पास एक विधवा आई थी, उसके पता उसका पति एक नबी था और वो मर चुका था, उसने कुछ लोन लिया था, उसने एक साहूकार से लोन लिया था, और वो विधवा एलिसा के पास आती है और कहती है मेरे दोनों बच्चे हैं, साहूकार आया है और वो कहता है कि अपने बच्चों को गुलाम कर दे, लेकिन मैं तेरे पास आई हूँ, मैं यहोवा का भय मानती हूँ, मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ, मैं परमेश्वर की कृपा चाहती हूँ। हालेलुया। एलिसा ने उससे कहा, जाओ तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा तेल है। एलिसा ने क्या कहा कि जाओ जितने भी बर्तन तुम तेल के लिए इकट्ठे कर सकती हो वो इकट्ठे करो। जाओ, क्यों जाओ, काहे को वो बर्तन इकट्ठे करो? दोस्तों परमेश्वर महान है, उसका वचन महान है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बारे में, हम उसकी गवाही दुनिया के सामने दें। हालेलुया। एलिसा ने कहा, ए विधवा, अगर तू चाहती है कि तेरे जीवन में आशीष आए, ए विधवा, अगर तू चाहती है कि परमेश्वर का सामर्थ्य तेरे जीवन में उतरे, तो जा और दुनिया को बता कि तेरे जीवन में अब परमेश्वर काम करने वाला है। जा और जितने भी बर्तन इकट्ठे कर सकती है इकट्ठे कर, और आ और एक कमरे में बैठकर अपने बेटों के साथ तेल उड़ेलना शुरू कर। हालेलुया। दोस्तों जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था, एलिसा चाहता था कि परमेश्वर का सुसमाचार वो औरत सब जगह फैलाए। जब वो बर्तन लेने के लिए अपने पड़ोसी के पास जाएगी तो क्या कहेगी, भाई इब्राहिम अपना बर्तन मुझे दे। क्यों? क्योंकि इसमें परमेश्वर का सामर्थ उड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बर्तन भरने वाला है, क्योंकि मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है। और यही सुसमाचार है कि जब हम उस सुसमाचार को जानते हैं, जब हम उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है। यही एलिसा चाहता था, यही एलिसिया चाहता था। इसलिए उसने कहा, तू जा और बर्तन इकट्ठे कर, और सबसे बोल कि तेरा परमेश्वर तुझे सामर्थ देने वाला है, तेरा परमेश्वर तुझे आशीष देने वाला है, परमेश्वर तुझे शक्ति देने वाला है, तुझे जीवन देने वाला है, तुझे कर्जों से मुक्त करने वाला है। और वो विधवा गई और उसने बर्तन इकट्ठे किए, लेकिन जैसे ही बर्तन उसने इकट्ठे किए और तेल उड़ेलना शुरू किया, एक बर्तन, दो बर्तन, तीन बर्तन, हजार बर्तन भरते गए, क्योंकि उसकी सुसमाचार की शक्ति, वो सुसमाचार दुनिया को फैला रही थी, वो सुसमाचार दुनिया में बांट रही थी। दोस्तों सुसमाचार में सामर्थ्य है।
अगर आज हम सुसमाचार देने के लिए दुनिया के सामने आते हैं, अगर हम आज सुसमाचार के जरिए दुनिया तक पहुंचते हैं, तो आप समझिए कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर का जीवन आपके जीवन में काम कर रहा है। इसलिए विश्वास करिए, रोज निकलिए, सुसमाचार की शक्ति आपके साथ है, यीशु का सामर्थ्य आपके साथ है, परमेश्वर की शक्ति आपके साथ है, क्योंकि सुसमाचार आपके दिल में है। इसलिए दोस्तों, हम मसीह निर्धन नहीं है, हम मसीह धनवान हैं, हम मसीह शक्तिशाली हैं, हम मसीह परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार हमारे पास है। हम इन निर्धन लोगों को अमीर बनाना है, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार हमारे साथ है। तो आइए दोस्तों, हम वाचा बांधते हैं और इस सुसमाचार की शक्ति को समझते हुए आज से अहद करते हैं कि हम हर पल, हर दिन, हर क्षण परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया में बांटेंगे, क्योंकि जैसे ही आप सुसमाचार बांटेंगे, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का वचन आपके साथ काम करेगा, परमेश्वर खुद आपके साथ काम करेगा और उस वचन को दृढ़ करता रहेगा और आपको शक्तिशाली बनाता रहेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज का दिन पवित्र है परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र है परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। सुनने वाले और देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मानता हूं परमेश्वर। अपने सामर्थ्य को, सुसमाचार के सामर्थ्य को इनके जीवन में भर दे, ताकि तेरा राज्य आए और तू जल्द परमेश्वर बादलों पर सवार होकर आए और हम तेरे साथ स्वर्ग में जाएं, उठा लिए जाएं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन।